किया है तुम दोनों ने? पर हमने कुछ भी नहीं किया जान। हम तो बस अच्छे बच्चों की तरह बन के रहना चाहते हैं और अपने प्यारे मॉम डैड का ख्याल रखना चाहते हैं, है ना जूली? ओके अब बस करो गर्ल्स, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हमने इस बार में बहुत सारा बनाना चाहिए पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा लेंगे, ये या फिर ये। हम उसका नाम मोदी रखेंगे क्योंकि वो बहुत क्यूट होगा, बिल्कुल पापा के जैसा। और अगर वो लड़की हुई तो हम उसका नाम रोजी रखेंगे क्योंकि वो भी आपकी तरह गुलाब जैसी होगी। बस अब बहुत हुआ, कोई डॉग नहीं आएगा। क्योंकि डॉग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके साथ समय बिताना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लिए अभी रेडी हो मेरी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि मैं उसकी इंचार्ज बनूं। अच्छा मजाक है जूली। ओके अब बहुत हुआ, चलो खाने का टाइम हो गया। ओ, मैंने कहा था ना ये डॉग नहीं लाने देंगे। इतना परेशान मत हो सिस्टर, मेरे पास एक सुपर प्लान है, तो क्या ख्याल है? गर्ल्स प्लीज टेबल सेट कर दोगी और कचरा बाहर रख दोगी? नहीं, मुझ पर कोई आदत नहीं चला सकता, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। हे स्वीटी, ये किस बात का गुस्सा निकल रहा है? मैं आपकी स्वीटी नहीं हूँ और न ही मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। जूली क्या तुम कचरा बाहर रख दोगी प्लीज? अगर मैं अपने पिज्जा का एक स्लाइस दूंगी तो रख दोगी? ओकी डोकी। तो देखा आपने, मैंने जूली को कैसे ट्रेन किया है, इसके मुकाबले डॉग को ट्रेन करना बहुत ही आसान होगा। डार्लिंग क्या तुम किचन के ब्लॉक सिंक को क्लीन कर दोगे प्लीज? हाँ लेकिन बाद में, अभी मेरे पास बहुत सारे अर्जेंट काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं, बाद में मिलता हूँ हनी। अगर तुम्हें मैंने पिज्जा का एक स्लाइस दिया तो? पनीर पीसेस के साथ। मजा आ गया। कुछ भी हो जाए डॉग इस घर में नहीं आएगा। मैंने कहा था कोई आइडिया यहाँ काम नहीं करेगा। बोलो स्वीट हार्ट। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कुछ अजीब सा लग रहा है। जूली प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। बच गई जूली, बच गई, थैंक गॉड। याद आ, ये सब इसी का कमाल है मॉम। डीजे टॉमी को यहाँ से 5 सेकंड में लेकर जाओ। बेवकूफ टॉमी। हेलो मैम। मेरे पास अब कोई आइडिया नहीं बचा, मैंने हार मान ली। मेरे पास एक आइडिया है, सुपर हाई टॉप सीक्रेट एक्शन प्लान। अगर कभी चोर हमारे घर पर चोरी करने की कोशिश करेंगे तो मॉम डैड रख वाली के लिए पक्का एक डॉग रखना चाहेंगे। क्यों, मैंने सही कहा? वैसे ये बहुत ही अजीब प्लान है, क्या पता काम कर जाए। मेरे दिमाग में ऐसे जीनियस आइडिया क्यों ही घूमते रहते हैं। आवाज मत करो।
दिखाना पड़ेगा कि सच में चोरी हुई है। चीज की जबरदस्ती। फिक्र मत करो, हम वैसे ही करेंगे जैसे मूवीज में होता है। ये तो मॉम का क्रेडिट कार्ड है, तुम क्या ऑनलाइन चोर ऑर्डर करने वाली हो? हाँ? नहीं, इससे दरवाजा खोलेंगे। तुम बस देखती जाओ चोरी कैसे होती है। क्या कर रही हो? ऐसे ही खोल दो ना, कितना टाइम लग रहा है। यहाँ बहुत ठंड है, मेरी तो कुल्फी जम रही है। अब थमो, बंद करो चोली वरना मौत जाग जाएंगे। वहाँ क्या हो रहा है? हेलो पुलिस, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे खोलूंगी। ओह नो, ये क्या हो गया? ओके, वन टू थ्री। तुमने कुछ सुना हनी? तुम पागल हो क्या? तुम मॉम डैड को जगा दोगी, सिर्फ हमारे फ्यूचर डॉग के बारे में सोचो। ओके, हम सारी कीमती चीजों को उठाकर इसमें डाल देंगे, समझी? हम यहाँ चोरी करने आए हैं, कुशन उठाने नहीं। क्या? अरे सबको ये कुशन ही चाहिए होता है टीवी देखते टाइम, इसीलिए ये सबसे कीमती है, तुम इतना भी नहीं जानते। ये है ड्रैनी का मैरिनेटेड डक, बहुत ही बेकार। इस तरह इसे हमें खाना नहीं पड़ेगा, है ना? नीचे जाओ और मैं जाकर लड़कियों को देख के आती हूँ। ओके ठीक है, मैं जाता हूँ। हो गया, अब हमें बस इस सामान को कहीं ले जाकर रखना होगा। चोर कुछ तोड़ते हैं तभी तो वो पकड़े जाते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मिली कौन है? मेरी बच्चियों को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। कौन है वहाँ? नहीं ये कोई चोर वोर नहीं है, बल्कि वो लोग है। बहादुर बुलडोजर हमला। चलो चुके वो चला गया। तुम्हें भी कोई अजीब सी स्मेल आ रही है क्या? अपना मुंह बंद करो, वो तुम्हें सुन लेगा। हाँ लेकिन ये सच में बहुत ही गंदी है। का डक खाना पसंद आया।